भैया इंडियन नेवी नेवल शिप रिपेयर यार्ड ट्रेडमैन की कुछ पोस्टों पर वैकेंसी आई है, जिसकी फॉर्म की स्टार्टिंग डेट थी 21 अगस्त 2021 और इसकी लास्ट डेट है 9 अक्टूबर 2021। आज की इस वीडियो में मैं इसकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना। तो फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं www.formjankari.com पर आ गया हूँ, जहाँ पर मैं इंडियन नेवी नेवल शिप रिपेयर यार्ड ट्रेडमैन 2021 वाली ऑफलाइन फॉर्म की पोस्ट पर आ गया हूँ। ये वाली पोस्ट अगर आपको डायरेक्ट नजर नहीं आ रही हो तो आप ऑफलाइन फॉर्म वाले सेक्शन में आ जाएं, जिसमें आपको ये वाली पोस्ट नजर आ जाएगी। नीचे आपको इस फॉर्म से रिलेटेड काफी सारी जानकारियां मिल जाएंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर पता चल जाएगा ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसकी स्टार्टिंग डेट है 21 अगस्त 2021, जैसे कि मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ, और इसकी लास्ट डेट है 9 अक्टूबर 2021। टोटल वैकेंसी जो यहाँ पर आई है वो 302 वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी भी अच्छी खासी है। ज्यादा अच्छी तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ये हजारों में वैकेंसी नहीं है, सिर्फ 302 वैकेंसी है। अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि आपको वीडियो के बीच में पता चल जाएगा। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 10th पास आपसे मांगी जा रही है सिर्फ। फॉर्म फीस इसमें कुछ लग नहीं रही है, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है। जो भी इसमें स्टैम्प वगैरह लगेंगे वो मैं आगे चल के बता दूंगा। अगर हम बेसिक डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10th लेवल के जैसे कि ये फॉर्म है, तो आपको 10th की मार्कशीट या इसका सर्टिफिकेट वगैरह की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। आपको फोटो वगैरह की जरूरत पड़ेगी। अगर आप जाति किसी में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, और आपका मूल निवासी भी लगाना पड़ सकता है। अब नीचे यहाँ पर आपको पता चल जाएगा किस ट्रेड में किस पोस्ट पर वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पर आपको मशीनिस्ट की वैकेंसी नजर आ रही है, जिसमें जनरल की 7 वैकेंसी है, ओबीसी में 5 वैकेंसी है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर हो गई 16। पाइप फिटर की अगर हम बात करें तो जनरल में 5 वैकेंसी है, ओबीसी में 2 है, एससी में 1 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 8 हो गई। पेंटर की अगर हम बात करें तो जनरल में 4 वैकेंसी है, ओबीसी में 2 है, एससी में 1 है। टोटल यहाँ पर 7 वैकेंसी हो गई। ऐसी टेलर की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, बिल्डर की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, मिल राइट की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, सिर्फ फिटर की वैकेंसी आई है, स्टील मेटल की वैकेंसी आई है। कुछ दूसरी ट्रेड के हिसाब से भी यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है अलग से, जैसे कि कंप्यूटर फिटर, यहाँ पर कंप्यूटर फिटर की कुछ अलग से वैकेंसी दे रखी है, रडार फिटर की वैकेंसी दे रखी है, रेडियो फिटर की वैकेंसी दे रखी है। मतलब काफी सारी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से देख लें किस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म फिल करना है और पोस्ट में कितनी क्या वैकेंसी दे रखी है। एज लिमिट के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास 10th कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, और इंग्लिश की आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ में अगर आप इनमें से किसी भी ट्रेड के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उस ट्रेड का आपके पास अप्रेंटिस वगैरह भी होना चाहिए। इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा सबसे पहले, लेकिन रिटर्न एग्जामिनेशन में कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे वो आपकी 10th की मेरिट के हिसाब से बुलाए जाएंगे, जिसका मेरिट का कैंडिडेट का बुलाने का रेशियो रहेगा वो 1:25 रहेगा। यानी कि एक वैकेंसी के लिए 25 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 कुछ के आसपास वैकेंसी है, उस हिसाब से 25 का गुणा कर लें आप। जो इसका स्किल टेस्ट का एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा वो पोर्ट ब्लेयर और विशाखापट्टनम रहेगा। क्वेश्चन पेपर जो इसका आएगा वो इंग्लिश और हिंदी में आएगा। अगर हम क्वेश्चन पेपर की पैटर्न की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस एंड रीजनिंग के 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश के 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, अवेयरनेस इन रिलेटेड ट्रेड या फील्ड, यानी कि जिस फील्ड में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस फील्ड के हिसाब से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 40 नंबर के उसके क्वेश्चन रहेंगे। टोटल यहाँ पर 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। सिलेबस के बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगी, साथ में आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए भी लिंक मिल जाएगी। नोटिफिकेशन ओपन करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी और जानकारी बता देते हैं आपको। आपको जो ये ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकालना है वो A4 साइज पेपर पर निकालना है, जो कि यानी कि पेपर का साइज रहता है उस पेपर पर आपको निकालना है। पेपर का जो प्रिंट रहे वो गुड क्वालिटी का प्रिंट रहे, उसमें कोई भी अक्षर मिटना नहीं चाहिए। आप चाहें तो ऑफलाइन फॉर्म को हाथ से फिल कर सकते हैं अपनी हैंड राइटिंग में, या फिर इस पर टाइप भी करवा सकते हैं। इस पर आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ लगानी है अपनी सेल्फ अटेस्ट करके। जिस भी आप एनवलप में ये सभी डॉक्यूमेंट वगैरह रखकर पोस्ट करें उसके ऊपर साफ साफ मेंशन होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं। यहाँ पर लिख रखा है ट्रेडमैन स्किल्ड फॉर, यहाँ पर ट्रेड का नाम आ जाएगा, लेकिन ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर ट्रेड का नाम आपको लिख देना है, उसके बाद एंड कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, और नीचे एड्रेस दे रखा है, ये वाला एड्रेस आपको टाइप करवा कर लिखना है। एप्लीकेशन को चाहे तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। साथ में आपको एप्लीकेशन के अंदर 2 अपनी पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है ब्लू बैकग्राउंड में, वही आपको फॉर्म पे चिपकानी पड़ेंगी। आपको अपनी 10th की मार्कशीट की, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की, अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो आपकी आपके पास सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट, आपके सभी सेल्फ अटेस्टेड करके सबकी फोटोकॉपी करके आपको रखना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड की पोस्ट पर फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसका भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके सर्टिफिकेट वगैरह रखना पड़ेगा। अब इसका नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं और उसको हमने ओपन कर लिया है। अब जितनी भी जानकारी मैं आगे बता चुका हूँ उसके बारे में तो मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ। जो भी बची हुई जानकारी है वो मैं देख लेता हूँ, इसमें कुछ बताने लायक है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ जॉब से रिलेटेड जानकारी दे रखी है पेज नंबर 5 में, जैसे कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके में आपको क्या काम करना पड़ सकता है,
अगर आप कंप्यूटर फिटर के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कंप्यूटर का मेंटेनेंस वगैरह करना पड़ सकता है, कंप्यूटर रिपेयर करना पड़ सकता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फिटर के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आपको सिप में जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह काम रहता है वो करना पड़ सकता है। तो उसी हिसाब से आप देखकर फॉर्म फिल करें, नहीं आपको आगे चल के प्रॉब्लम आए। अगर हम इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एस सी एस टी कैटेगरी के लिए 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पर 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। नीचे विकलांग के लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एक्स सर्विसमैन वगैरह की भी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो भैया ये तो थी जानकारी इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड। अब अगर आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बता रखी है कैसे आपको इसका ऑफलाइन फॉर्म को फिल करना है।